नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने संजय राउत को भेजा नोटिस। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई बातों का लगातार खुलासा हो रहा है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। लगातार शिवसेना की तरफ से बेतुकी बयानबाजी की जा रही है। कुछ दिनों पहले शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर गलत टिप्पणी की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने वकील ने महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद संजय राउत को नोटिस भिजवा दिया है। भेजे गए नोटिस में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के खिलाफ उनकी दूसरी शादी समेत कई बातों को लेकर की गई गलत टिप्पणी का हवाला दिया गया है। साथ ही उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया गया है। निजी अस्पतालों में कोविड-19 पेशेंट के इलाज की फीस अब स्वास्थ्य विभाग करेगी तय। निजी अस्पताल अब अपने मनमानी तरीके से मरीजों से पैसे नहीं ऐंठ पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी निजी अस्पतालों में जहां पर भी कोविड-19 संक्रमितों की जांच की जा रही है, बाकी फीस तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के निजी अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमितों के इलाज को लेकर इलाज की दर तय करने की जिम्मेदारी जिलों के जिलाधिकारियों को सौंपे जाने के निर्णय की समीक्षा की जाने वाली है। साथ ही विभाग के स्तर पर भी अब इलाज की दर तय की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दे दी और साफ तौर पर कहा कि अलग अलग जिलों में स्थित निजी अस्पतालों में सुविधाएं भी भिन्नता है। ऐसे में विभाग ने नए सिरे से इस निर्णय की समीक्षा कर उचित कदम उठाने का फैसला लिया है। कोविड-19 के माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव कराने के खिलाफ है राजद। कोविड-19 के माहौल में जहां चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन समय पर ही करवाया जाएगा, वहीं विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद की तरफ से भी चुनाव करवाने के फैसले पर आपत्ति जताई गई है। राजद ने अपनी तरफ से जवाब पहले ही आने के कथित 31 जुलाई को दे दिया था। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आयोग को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए चुनाव कराना बेहद हानिकारक होगा। उन्होंने आयोग से पूछा कि वर्तमान माहौल में अगर चुनाव करवाया गया और लोगों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? करोड़ों लोग अगर घर से निकलकर प्रभावित हो जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तो क्या आयोग उनके बीमा के बारे में विचार करेगा? इसके साथ ही उन्होंने प्रचार को वर्चुअल तरीके से और डिजिटल कैंपेन के जरिए वोटरों से संपर्क किए जाने के सुझाव को भी सिरे से खारिज किया है। उत्तर पश्चिमी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। बिहार में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में इस दौरान बारिश का माहौल बना हुआ है। आज भी पटना सहित बिहार के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा अभी बिहार के देहरी के ऊपर से झारखंड के धनबाद होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में नमी बिहार आ रही है, इसलिए कल तक बिहार में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार ने केंद्र सरकार से की 2 कोबास मशीन की मांग। बिहार में बेलगाम बढ़ चुके कोविड-19 के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से जल्द 2 और कोबास मशीनों की मांग की है। इस मशीन के मिलने के बाद से कोविड-19 जांच की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं एक दिन में टेस्ट क्षमता 7,000 से अधिक होने की संभावना भी जताई गई है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार ने केंद्र सरकार से टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए 2 कोबास मशीन की मांग की है। इसके पहले सरकार ने भी कोबास के लिए टेंडर निकाला था। वहीं उम्मीद है कि जल्द ही बिहार को 2 कोबास 1100 मिलते ही जांच की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 कोबास की मशीन से एक दिन में करीब 3600 से ज्यादा कोविड-19 सैंपल की जांच करने की क्षमता होती है। वहीं 2 कोबास से 7200 जांच संभव हो जाएगा। IGIMS और पारस अस्पताल में भी अब करवाया जाएगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए साथ ही अब तक इसके कोई कारगर इलाज को नहीं ढूंढ पाने के कारण कोविड-19 के इलाज में सफल साबित हो रहे प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल का दायरा बिहार में बढ़ाने की तैयारी हो रही है। जानकारी के अनुसार एम्स के बाद अब इंदिरा गांधी विज्ञान संस्थान और पारस हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो प्लाज्मा थेरेपी से इन दोनों अस्पतालों को जोड़ दिया गया है। इसके बाद कोविड-19 संक्रमण से गंभीर मरीजों के इलाज में काफी सहूलियत होगी। सरकार के इस फैसले के बाद पटना में 3 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा हो गई है। तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजद प्रवक्ताओं को सौंपा टास्क। राजधानी के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में राजद प्रवक्ताओं की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा है कि हम पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी का मानना है कि अभी इस समय में चुनाव कराना उचित नहीं है, मगर अब चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है, यानी कि चुनाव सही समय पर ही करवाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही पार्टी ने
तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं राजद की तरफ से बीते दिन आयोजित करवाए गए बैठक में पार्टी के सभी 15 प्रवक्ताओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ताओं का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इसके बाद पार्टी में मृत्युंजय तिवारी का प्रमोशन कर दिया गया है। राजद प्रवक्ता रामानुज सिंह ने कहा है कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने सभी प्रवक्ताओं को टास्क दे दिया है। बैठक में राज्य में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति और कोविड-19 के कारण उत्पन्न हालात पर भी चर्चा हुई है। बाढ़ ने 20 और पंचायतों को लिया अपनी चपेट में। बिहार में कोविड-19 के साथ साथ बाढ़ ने भी परेशानी बढ़ा रखी है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ ने बिहार के 20 और पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद 16 जिले के 126 प्रखंड और 1260 पंचायत की 75 लाख आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है। साथ ही अपर सचिव रामचंद्र डू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए हर स्तर पर राहत और बचाव कार्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। 6,69,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 की राशि भेज दी गई है। यह राशि 401 करोड़ रुपए की है। वहीं बाकी बचे परिवारों के खाते में भी जल्द ही सहायता राशि भेजी जाएगी। जल्द ही सभी के खाते में राशि भेजने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावितों के लिए राज्य में 1204 सामुदायिक किचन भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर हर दिन 9,30,000 से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। बिहार में लगातार दूसरी बार अप्रोच रोड का हुआ बुरा हाल। कुछ दिनों पहले गोपालगंज स्थित एक अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब एक और अप्रोच रोड पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गोपालगंज के बंगरा घाट पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम 11:30 बजे होना था। इसके पहले मंगलवार रात को पुल का अप्रोच रोड बाढ़ के पानी के चलते पूरी तरीके से टूट गया था। करीब 50 मीटर सड़क टूटी, जिसको आनंद फानन में ठीक करवाया गया। उद्घाटन से करीब 30 मिनट पहले सड़क की मरम्मत पूरी करवाई गई है। वहीं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में मजदूर और 2 JCB लगाकर सड़क को ठीक करवाया गया है। आपको बता दें, जहां अप्रोच रोड टूटा है वहां इलाका सारण के पानापुर के साथ जोड़ा बाजार के पास का है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में गंडक नदी पर बना सारण बांध 7 जगह टूटा है। पुल के अप्रोच रोड पर बाढ़ के पानी का दबाव था, जिससे वो टूट गया। बूथ ऐप से मतदाताओं की कतार मैनेज करने की तैयारी कर रहा है आयोग। कोविड-19 के इस माहौल के बीच बिहार में चुनाव करवाने के आधिकारिक ऐलान के बाद अब चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बनकर सामने आया है, जिसके तहत कोविड-19 के इस माहौल में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने एहतियात बरतने का फैसला सुनाया है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार को मैनेज करने के लिए बूथ ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बूथ ऐप के जरिए मतदाताओं की कतार को मैनेज किया जाएगा। यह ऐप मतदान कर्मियों और BLO के स्मार्टफोन में डाउनलोड होगा। मतदाताओं के QR कोड वाली वोटर पर्ची को इस ऐप के जरिए स्कैन किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से मतदान के पहले ही प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। सदानंद सिंह ने 80 सीट पर चुनावी मैदान में उतरने का किया दावा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महागठबंधन में तल्खी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार आ रहा है। महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस लगातार राजद पर दबाव बनाने में जुटी हुई है, ताकि कांग्रेस को इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीट मुहैया करवाई जाए। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने विधानसभा की सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 80 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 2015 में महागठबंधन में जो भी सहयोगों की पार्टी थे, इस बार जरूर महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उनकी हिस्सेदारी वाली सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी बनती है। इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने भी सीट बंटवारे को लेकर अपना पक्ष साफ रख दिया था। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पर एक बार फिर जदयू की दिखी नाराजगी। लोजपा और जदयू के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लगातार इन दोनों पार्टियों के बीच की अनबन मीडिया के सामने खुलकर आ रही है। वहीं अब एक बार फिर से जदयू की तरफ से नाराजगी साफ तौर पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए देखने को मिली है। इसी क्रम में जदयू के प्रधान महासचिव KC त्यागी ने लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लोजपा तो कभी हमारे साथ रही नहीं, ना 2005 में, ना 2010 में और ना ही 2015 के विधानसभा चुनाव में। जदयू का गठबंधन लोजपा से नहीं, भाजपा के साथ है। जदयू दोनों पार्टी एक दूसरे को समझती और सम्मान भी करती है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला हो चुका है, तो लोजपा द्वारा सवाल उठाने से बैठे बैठे विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। NDA को कमजोर करने की इजाजत किसी को भी कैसे दी जा सकती है। कोविड-19 को मात देकर जिलाधिकारी कुमार रवि लौटे काम पर। कोविड-19 की चपेट में आए राजधानी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि अब कोविड-19 की परीक्षा को पास करके वापस अपने काम पर लौट चुके हैं। कुमार रवि के अलावा पटना के सिविल सर्जन आर के चौधरी भी कोविड-19 को मात देकर वापस काम पर लौट चुके हैं और उन्होंने भी अपना कामकाज दोबारा संभाल लिया है। पिछले दिनों पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर आर के चौधरी संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया गया था और वहीं वो छुट्टी पर चल रहे थे। इन
दोनों के काम पर वापस लौटने के बाद अब जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए गांधी मैदान में पूरी हुई तैयारी। कोविड-19 के इस माहौल में स्वतंत्रता दिवस समारोह इस साल भी काफी खासा नजर आने वाला है, जिसकी तैयारी राजधानी पटना में पूरी कर ली गई है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गांधी मैदान में ही आयोजित करवाया जाना है, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दिन झंडोत्तोलन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के मुख्य मंच से पश्चिम से विशेष अतिथियों के लिए पंडाल बनाया गया है। पूर्व तरफ से मीडिया और कोविड-19 योद्धाओं के लिए और प्लाज्मा डोनर को बैठने की व्यवस्था की गई है। परेड का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को करवाया जाएगा। इस बार 14 कंपनियां परेड की सलामी देंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के बीते दिन समीक्षा बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोविड-19 योद्धाओं को आमंत्रित किया जा रहा है, जहां जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 योद्धा और प्लाज्मा डोनर को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, नर्स, ANM, पुलिस, निगम कर्मी पदाधिकारी सहित अन्य लोग शामिल होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर एक बार फिर उठे सवाल। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर आए दिन तरह तरह की खबरें सुनने में आ जाती है। वहीं साल 2019 से क्रिकेट मैदान से दूर रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर लगातार चर्चा होती रहती है। वहीं इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बेहद ही खास है। मेरी जानकारी के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथ ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल संन्यास लेने के कोई मूड में नहीं है। सब कुछ सही रहा तो महेंद्र सिंह धोनी साल 2022 तक पीली जर्सी का हिस्सा रहेंगे। काशी विश्वनाथ ने बताया है कि धोनी 2022 में भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान का कार्यभार अपने कंधों पर उठाए रखेंगे। पिछले 10 सालों से धोनी CSK के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में धोनी को अपनी टीम से कभी भी अलग नहीं करना चाहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 2022 तक हमारे साथ रहे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास लेने के बारे में विचार करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।